अगर आपको एडल्ट मूवीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आपको गंदे आर्टिकल देखना, गंदी वीडियोस देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हेडफोन लगाकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लोगों को वीरनाश करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, गंदी वीडियोज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको सुबह को 5 बजे उठना है और 5 बजे उठ करके आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आप कभी भी ये काम नहीं कर पाओगे। चलो आपने रात को अलार्म भी लगा लिया कि हाँ मुझे सुबह को 5 बजे है और अलार्म बजता है 5 बजे, तो आप उसको बंद कर दोगे और बोलोगे नहीं 5 नहीं 6 बजे उठना है, फिर 6 बजे वो अलार्म बजेगा, फिर उसको भी बंद कर दोगे, फिर कहोगे नहीं 8 बजे उठना है। ऐसे करते करते पूरा दिन चला जाएगा। लेकिन जब आपका मन हस्त मैथुन करने का करता है, उसके बाद आप जगह ढूंढते हो, आप देखते हो कि कैसे मैं हस्त मैथुन कर सकता हूं और कैसे मैं गंदी वीडियो देख सकता हूं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूं कुछ सेकंड के मजे के लिए, जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। उस काम के लिए आप जगह ढूंढ लेते हो और आप टाइम भी निकाल लेते हो और आप के बाद हस्त मैथुन भी कर लेते हो, लेकिन जो काम आपकी जिंदगी बना सकता है, आपकी सेहत बना सकता है, उसको आप कभी भी नहीं करोगे। उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, बल्कि उस काम को आप टालते रहते हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। क्या कभी आपने, जब आपका मन करता है हस्त मैथुन करने का, आपने उस चीज के बारे में भी कभी ऐसा कहा है कि नहीं आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा? हालांकि आपको करना चाहिए उल्टा। जब आपका एक्सरसाइज करने का मन करता है या पढ़ाई करने का मन करता है, उस टाइम आपको ऐसा कहना चाहिए कि नहीं आज नहीं कल करूंगा हस्त मैथुन, कल नहीं परसों हस्त मैथुन करूंगा, नहीं नहीं एडल्ट वीडियो देखनी है, नहीं 3 दिन के बाद देखूंगा। ये आपको इस चीज के बारे में करना चाहिए और एक्सरसाइज के बारे में आपको टाइम निकालना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आपकी मसल्स बनेंगी, आपकी बॉडी बनेगी और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाओगे और इस कंट्री के लिए और इस आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा काम कर पाओगे, ताकि जब आप मरे तो मरने के बाद भी आप लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहें। लेकिन नहीं, हम ये काम कभी भी नहीं कर सकते। कभी आपने सोचा है कि हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? हम ये काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दिमाग को हमेशा प्लेजर चाहिए, जिस काम में हमें मजा आता है, चाहे वो कुछ सेकंड का मजा ही क्यों ना हो, और उस सेकंड के मजे के लिए हमारी पूरी जिंदगी ही क्यों ना खराब हो रही हो, हम वो काम करते रहेंगे। लेकिन चाहे कुछ मिनट का पेन हो, कुछ सेकंड का पेन हो और उससे हमारी जिंदगी बन रही हो, वो काम हम कभी भी नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आपको हीरे की तरह बनना है तो पहले अपनी हड्डियों को तापना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको बर्दाश्त करना सीखना होगा, अपने मन पे काबू करना सीखना होगा, उसके बाद ही आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही टीनेजर की एज में ही अगर आप मजे के पीछे भागोगे, आप वो काम करोगे जिसमें आपको प्लेजर मिलता हो सिर्फ कुछ सेकंड के मजे का, और उसके बाद आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो रही हो, फिर भी अगर आप वही काम करते रहेंगे, तो मुझे पक्का, मैं आपको कह सकता हूं कि आपका फ्यूचर खतरे में है। और अगर आपको अपना फ्यूचर बचाना है तो आपको कुछ अच्छी चीजों को सीखना होगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा। हर किसी का सपना होता है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदे, बहुत ज्यादा पैसे कमाए, जिससे कि आने वाली जो लाइफ है उसमें उसको कुछ भी चीज खरीदनी है तो सोचना ना पड़े। अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है, तो उसमें सोचना ना पड़े, आप तुरंत उसको खरीद लो। लेकिन ये सब चीजें कैसे संभव हो सकती हैं? ये सब चीजें तभी संभव हो सकती हैं जब आपके अंदर सब्र हो, आपके अंदर पेशेंस हो, आपको आपके अंदर उल्टी सीधी चीजें ना करने का पेशेंस हो, आप अच्छी चीजें सीखते हो, हर रोज एक नई स्किल सीखते हो, तभी आप ये सब चीजें अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। दोस्तों, जीना उसको नहीं कहते कि सिर्फ खाया पिया, हस्त मैथुन किया, वीर्यनाश किया और सिर्फ सो गए। ऐसे तो जानवर भी रहते हैं, सेक्स जानवर भी करते हैं। इस दुनिया में हर कोई ये काम कर सकता है, लेकिन जीना उसको कहते हैं कि अपने लिए भी कुछ अच्छा करे, अपने माँ बाप के लिए भी कुछ अच्छा करे और आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी कुछ ऐसा करे जिससे कि मरने के बाद आप लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहें। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पर बहुत ही जल्द। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।